नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ी हैं अंजलि जी, जो वेल एजुकेटेड हैं और बचपन से जानती हैं उस संस्था को जिसके बारे में 4 साल पहले मीडिया में अलग अलग बातें दिखाई जा रही थी। आए दिन ऐसी खबरें उस संत सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के बारे में दिखाई जाती हैं। जानते हैं असली सच क्या है, लोगों को क्या मानना है उसके बारे में। अंजलि जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपने जैसे बताया बचपन से जानती हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा को, कैसा नेचर लगता है, कैसा स्वभाव लगता है आपको संत जी का? मैं उनको एक मतलब अपना पिता ही की तरह मानती हूँ और बचपन से ही यहाँ आ रही हूँ। सेवा में भी आती थी मैं पहले, लेकिन अब शादी हो चुकी है, लेकिन अब थोड़ी ज़्यादा दूर हो गई है मेरी शादी, इस वजह से मैं आ नहीं पा रही हूँ। अब बच्चा भी है ना मेरा छोटा, इस वजह से। तो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? उनका तो हमेशा अच्छा ही व्यवहार है और हमेशा अच्छा ही रहेगा उनका तो। कैसे ट्रीट करते हैं आप लोगों के साथ, मतलब कैसे है उनका बात करने का तरीका कैसा है? वो सबको अपनी बेटी मानते हैं, बेटी की तरह ही व्यवहार करते हैं और सबको अपनी बेटी बेटी समझ के उनकी बेटी की तरह ही बातें करती है वो हमसे। लेकिन उनके ऊपर तो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सब झूठे आरोप है, दुनिया तो ऐसे ही कहती है, लेकिन हमारी अपनी सोच है ना। वो तो मैं बचपन से आ रही हूँ, मैंने देखा है यहाँ पर किसी चीज़ का कोई डर भाव, किसी चीज़ का कुछ भी नहीं है, ना ही किसी चीज़ की मतलब जाति पाति कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे। जो मीडिया में दिखाया गया, जो खबरें दिखाई जा रही थी 4 साल पहले, उनके बारे में क्या कहोगे आप? मैं उन खबरों पे कोई विश्वास ही नहीं करती, वो सब झूठी हैं, बेकार है। अगर उनके प्रति भी मेरी कोई सोच होती ना तो मैं याद होती ही नहीं। ये सब बातें बेकार हैं, झूठी है, कोई विश्वास करने लायक है ही नहीं ये कुछ भी। फिर सच क्या है असल में? संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा ने समाज के लिए, लोगों के लिए क्या काम किया? वो हमेशा लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन लोग उनके पीछे पड़े ही ऐसे हैं कि ये लोगों का कर क्यों रहे हैं भला, इस वजह से दुनिया उनका दुश्मन, दुनिया उनकी दुश्मन बन गई। क्या भलाई के काम किए उन्होंने समाज? जैसे ये हमारे किन्नर समाज के लोग हैं, इनको इनका भला किया है, ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, गरीबों का भला कर रहे हैं वो, लेकिन लोग उनको ये कुछ समझते ही नहीं लोग उनको। क्या आज उनकी ज़रूरत है समाज को? उनकी ज़रूरत हमेशा ही रहेगी, उनकी ज़रूरत आज भी है, कल भी थी और हमेशा रहेगी उनकी। उनके ना रहने से समाज के अंदर क्या प्रभाव पड़ रहा है? 4 सालों से नहीं है संत जी समाज में, क्या बदलाव आपको लगता है समाज में हो रहा है उनके ना रहने से? समाज में जो लोग थे मतलब जो गुरु के प्रति उनका कम था प्यार प्रेम, वो तो चले ही गए हैं। कम से कम ये तो पता चला है कि जो लोग कैसे थे। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? यही अपील करेंगे कि जल्द से जल्द पिताजी को रिहा करें वो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। रिहाई की मांग की जा रही है और करारा तमाचा मार रही है उन मीडिया की खबरों पे जो 4 साल पहले जाए इस तरीके से अलग अलग बातें दिखाई जा रही हैं। इनका कहना है कि सच्चे से डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा एक बेटी की तरीके से वो सबसे बात करते हैं और आज भी उनकी समाज को सख्त जरूरत है। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।